पेट्रोल डीजल और पकवान गैस में बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की रैली। गरीब व मुतवस्सित तबकात पर बोझ, हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। नाजरीन, अगर आप भी किसानों की हिमायत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दरअसल कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज राजेंद्र नगर इलाके में मरकजी हुकूमत के खिलाफ रैली का एहतमाम किया गया। पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ मुनज्जम करदा उस रैली में कांग्रेस कारकुनों के अलावा मकामी आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उस एहतजाज में मरकजी हुकूमत की अलामती आरती निकाली गई, जिसे बाद में नज़र आतिश किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुजस्मे के करीब रैली का इख्तिताम हुआ। कांग्रेस कायदीन ने कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 7 बरसों में नरेंद्र मोदी हुकूमत में आवाम पर बोझ में इजाफा किया गया है। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि मुल्क में आम आदमी बिलखसूस गरीब व मुतवस्सित तबकात महंगाई का शिकार है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नरेंद्र मोदी ने सेंचुरी बना ली है। आप तो पकवान गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आवाम दोबारा लकड़ी पर पकाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी मरकज की मुखालिफ आवाम पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखेगी। आप आगे देखते हैं क्या होता है।